Hi, welcome back to my another tutorial. You are watching Naman Mahajan, and in this video I will show you how to create title text animation like this in Premiere Pro. So without any further delay, chaliye shubharam karte hain. मैं यहाँ से करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। बाकी सब सेटिंग में सेम है, ठीक है। कैप्चर फॉर्मेट को मैंने सिर्फ HD भी रखा है, बाकी सब डिफॉल्ट है। और करता हूँ मैं ओके। तो सबसे पहले इसे करता हूँ मैं एडिटिंग मोड में, ठीक है। तो मेरा लेआउट चेंज हो गया। अगर आपको समझ नहीं है मेरा पूरा लेआउट कि किस टाइप से काम करता है, हमारा इंटरफेस क्या होता है प्रीमियर प्रो का, ठीक है, और सॉफ्टवेयर ये टूल्स क्या है, कौन कौन से मोड्स है, ये टूल्स क्या काम करते हैं, हमें फुटेज कैसे इम्पोर्ट करनी है, जो पहली बार ये प्रीमियर प्रो चला रहा है, ठीक है, उसे नहीं पता होता है, तो मैं आपको ये आई बटन पे वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने इंटरफेस पूरा बताया है कि प्रीमियर कैसे काम करता है। आप वो देख सकते हैं, उसमें आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक प्रीमियर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले फुटेज को इम्पोर्ट। तो मैं करता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक, ठीक है। इसको करता हूँ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप टू माई टाइम लाइन। अब यहाँ पे हम लेते हैं कुछ टेक्स्ट, मैं आप लेता हूँ टेक्स्ट टूल। यहाँ हम टाइप करते हैं, इसे हम कर देते हैं बड़ा, मैं रखता हूँ सेंटर में, इसे हम करते हैं सिलेक्ट। अब मैं आता हूँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे, यहाँ से हम करते हैं इसे बोल्ड, ठीक है, और इसको हम देते हैं सिलेक्शन टूल, इसे करते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे टेक्स्ट रखना आप रख सकते हैं। तो मैं गया यहाँ पे नीचे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक में गया, न्यू आइटम्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है कलर में, यहाँ पे हम करते हैं हिट ओके। यहाँ पे मेरे को जो कलर लेना हो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ ब्लूइश थोड़ा सा, या फिर मैं ये नियॉन जैसा ले लेता हूँ, ठीक है, हिट ओके। कलर मेट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ ब्लू या नियॉन, आपको जो लिखना ले सकते हो, मैं करता हूँ ओके, ये मेरा आ गया। उसके पहले मैं यहाँ पे टाइटल की लेयर करता हूँ ऊपर, यहाँ पे ब्लू जो मेरे सॉलिड लेयर है उसको करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप इसके नीचे, ठीक है। तब यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं मैं आ चुका है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ट्रैक, ट्रैक मेट की, इसे हम कहते हैं डबल क्लिक, जिससे मेरा इसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, ये हमारी लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, कुछ और सिलेक्ट होगी तो ये उसके ऊपर अप्लाई होगा, मेरा सिलेक्ट है, ठीक है, मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे आ गया मेरा प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आती है सारी प्रॉपर्टीज। अगर आपके इसमें नहीं आता है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, आपका जैसे यहाँ पे होगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो हमारा ये दिखा देगा, लेकिन ये सिलेक्ट होना चाहिए तभी हमारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ठीक है। जैसे कहता हूँ ऊपर, मैं आता हूँ ट्रैक मैट की प्रॉपर्टीज पे, यहाँ से मैं लेता हूँ मैट में नन से, मेरा ये टाइटल जो है ये वीडियो 3 पे है, तो मैं हूँ वीडियो 3, ठीक है। तो मेरा जो मेरी लेयर है वो लेयर इस टेक्स्ट के अंदर आ गई है, बट मुझे ये नहीं करना है, मुझे करना है यहाँ से रिवर्स, तो ये मेरा चेंज हो चुका है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ओपेसिटी पे, यहाँ से मैं करता हूँ ब्लेंडिंग मोड को अबाउट स्क्रीन, थोड़ा सा हो रहा है तो मैं करता हूँ लाइटनिंग, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ठीक है, अब अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं इतना रखता हूँ। लेट्स सी दिस, मैं करता हूँ प्ले, तो ये मेरा कुछ इस टाइप से प्ले हो रहा है, ठीक है। इसमें मल्टीपल भी डाल सकते हैं, मैं आप इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे करता हूँ कॉपी बाय प्रेसिंग अल्ट एंड क्लिक टू ड्रैग, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं करता हूँ चेंज, डबल क्लिक कर देते हैं, या फिर हम यहाँ पे आके डबल क्लिक कर देते हैं ना, यहाँ पे हम टाइप करते हैं कुछ, जैसे मैंने लिख दिया इसे थोड़ा सा छोटा है, मेरा बड़ा है, तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा। मैं करता हूँ प्ले, तो सी दिस, मेरा टाइटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये मेरा कलर कलर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे हम कुछ भी कलर कर सकते हैं, जैसे मेरा ये था, इसे मेरे को कलर चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको जो मैंने एक कॉपी और की है, मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज कर लिया तो मैं वापस से प्रोजेक्ट पैनल पे, प्रोजेक्ट पैनल पे मेरे यहाँ पे आ जाती है यली लेयर, ठीक है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूंगा तो मेरी दोनों लेयर का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे डिलीट कर देते हैं, है ना, वो मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे करता हूँ इसको डुप्लीकेट, यहाँ पे करता हूँ इसका कलर चेंज, मैंने कर दिया यहाँ पे अबाउट टू पिंक,
वो करता हूँ ओके, इसे करता हूँ मैं अपने ड्रैग एंड ड्रॉप सीधी, ठीक है। अब हम वापस आता है इसके ऊपर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वापस आके यहाँ पे इफेक्ट्स में, यहाँ से हमारा ये टाइप किया हुआ है ही, मैं करता हूँ डबल क्लिक तो मेरा अप्लाई हो गया। यहाँ से करता हूँ मैं लेयर थ्री, सॉरी वीडियो थ्री रिवर्स, एंड सेम चीज कर देता हूँ मैं इसके ऊपर लाइटनिंग, और हम कर देते हैं ओपेसिटी को थोड़ा सा कम, वो 30, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 60, ठीक है। तो ये कुछ मेरा इस टाइप से प्ले होगा। तो इसको करता हूँ छोटा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस वाले को यहाँ पे, इसे करता हूँ मैं डिलीट, ठीक है। तो लेट्स सी दिस, ठीक है, तो मेरा कुछ चेंज हो गया है। तो इस टाइप से हम कुछ भी एक टाइटल क्रिएट कर सकते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।